हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जमाल खान और ये है मारुति स्विफ्ट डिज़ायर डीजल कार है। LDI मॉडल 2014 का मॉडल है और ये कार का हम खोल रहे हैं दोस्तों फुल इंजन, क्योंकि इसके इंजन में काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो इसके जो है टाइमिंग चेन, केम शाफ्ट सभी को टूट गया है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसकी दोनों केम शाफ्ट जो इसके केम शाफ्ट कवर में जो लगी हुई हैं, तो ये दोनों केम शाफ्ट बुरी तरह से टूट गई हैं और एक एक केम शाफ्ट तीन तीन हिस्सों में टूटी है और उसकी टाइमिंग चेन भी टूट गई है। इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इसका हम फुल इंजन करेंगे। और दोस्तों ये यहाँ पर बराबर में खड़ी हुई है, ये है महिंद्रा XUV500W6 मॉडल डीजल कार है। तो इस कार का दोस्तों हम खोल लेंगे सिलेंडर हेड और इसमें दिखाएंगे कि इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये XUV500W में क्या दिक्कत है। स्टार्ट करो। तो अभी आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो कूलेंट वाला डिब्बा है, इसका हमने जब कैप हमने खोल दी इसकी, तो इसका कूलेंट वाले डिब्बे का ढक्कन खोलने के बाद में आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि इस डिब्बे के अंदर जो पानी जो भरा हुआ है वो धीरे धीरे अपने आप से ऊपर आ रहा है और इसमें बबल्स भी आ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है दोस्तों, इसका जो, क्योंकि इंजन तो हीट नहीं हुआ है, इंजन तो ठीक है अभी, लेकिन इसमें कंप्रेशर आ रहा है। इसकी जो सिलेंडर हेड की जो पानी वाली लाइनें होती हैं, उसके जो होल होते हैं, वो मेरे हिसाब से इसके होल बढ़ गए हैं और कंप्रेशर वाले एरिया पर जाकर मिल गए हैं, इसलिए इसमें कंप्रेशर आ रहा है। लेकिन गाड़ी अभी हीट नहीं हुई है और ये गाड़ी के इंजन में कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। तो चलिए अब तो सबसे पहले हम हेड खोलते हैं और हेड खोलकर आपको दिखाते हैं कि इसका काम मेरे हिसाब से तो सिर्फ हेड कराकर ही हो जाना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में कई बार क्या होता है कि ज़्यादा हीट हो जाती है तो फुल इंजन भी करना पड़ जाता है। लेकिन इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा कोई इतनी दिक्कत नहीं है और गाड़ी के साउंड भी ठीक है, स्टार्टिंग भी ठीक है गाड़ी की। तो चलिए खुलवाते हैं सिलेंडर हेड, पर दिखाते हैं आपको। तो अभी हम खुलवा रहे हैं दोस्तों इसके सिलेंडर हेड की पूरी फिटिंग। तो अगर आपको पूरी वीडियो डिटेल में देखना है तो बिना स्किप किए देखें, तो आपको पूरी जानकारी इसमें वीडियो में मिलने वाली है और हम आपको स्टेप बाय स्टेप सब दिखाते हुए चलेंगे कि ये कार के अंदर क्या फॉल्ट निकला और क्या कमी थी और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों हमने इसका फ्रंट बम्पर और इसकी हेडलाइटें निकाल दी हैं और अभी निकलवा रहे हैं हम इसका इंटरकूलर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसका इंटरकूलर भी अभी निकलवा दिया है और यहाँ पर सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये इंटेक मैनिफोल्ड का जो पाइप है इसका, तो इसके अंदर कुछ पानी की बूंदें इसमें नज़र आ रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ये मैंने अपनी उंगली पर जो इसमें मोबिल जो भरा हुआ है वो अभी मैंने निकाला थोड़ा सा, तो मोबिल के साथ में कुछ पानी की बूंदें इसमें नज़र आ रही हैं। तो ये किस वजह से हैं वो भी मैं बताऊंगा पूरे डिटेल में, क्योंकि सिलेंडर हेड के जो होल हैं वो बढ़ गए हैं और पानी इसलिए इंजन ऑयल के अंदर पहुंच गया है। और ये कार का दोस्तों रेडिएटर भी हम खुलवा रहे हैं, क्योंकि रेडिएटर भी काफ़ी गंदा है अंदर से हमारे हिसाब से, इसको भी साफ़ कराएंगे और इसकी सफाई हो जाएगी और हेड का काम हो जाएगा, तब गाड़ी एकदम बढ़िया चलेगी। और इसका जो इंजन का जो एरिया मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, इसमें काफ़ी फिटिंग होती है, बहुत ध्यान से और एक एक कनेक्शन बहुत देखकर खोलना होता है और देखकर ही अच्छे तरीके से फिटिंग करना होता है और इसकी सफाई भी करवाएंगे हम अच्छे तरीके से। और ये इसका टाइमिंग कवर दोस्तों खुलकर बाहर आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इसका ऑयल पंप और टाइमिंग कवर दोनों एक ही में होता है, तो टाइमिंग कवर हमने निकाल दिया खोलकर। और यहाँ पर सामने की तरफ इसकी टाइमिंग चेन लगी हुई है और टाइमिंग चेन पर दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये जो प्लास्टिक वाले जो फिक्स गाइड लगे हैं ये टूटे हुए चल रहे हैं इसमें। तो हालांकि अभी कोई इंजन के अंदर नुकसान नहीं हुआ है, ये टूटने के बाद कई बार ऐसा होता है चेन ढीली पड़ जाती है और ढीली पड़ के चेन कई बार टूट भी जाती है, तो इंजन के अंदर नुकसान हो जाता है, लेकिन ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं इसमें। और इसमें एक नहीं, दूसरा भी टूटा है, ये वाला भी, ये नीचे के साइड में लगा होता है फिक्स गाइड, तो इसका दूसरा हिस्सा टूटा हुआ है चैम्बर में, ये पड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ निकाल के। तो दोनों जो चेन वाले फिक्स गाइड हैं दोनों टूट कर और इसके अंदर गिर गए। तो अभी क्या हुआ था, अगर ये थोड़ा टाइम इसी कंडीशन में और चल जाती तब जाके इंजन में नुकसान हो जाता, लेकिन अभी फ़िलहाल इंजन में कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये इसकी दोनों कैमशाफ्ट हैं जो हम बाहर निकाल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोनों कैमशाफ्ट निकालने के बाद में दोस्तों इसमें लगे होते हैं टैपेट रॉकर जो कि 16 पीस लगे होते हैं, तो इनको भी बाहर निकालेंगे और इनको अच्छे तरीके से चेक करेंगे कि इनकी क्या कंडीशन है। तो सिलेंडर हेड जब भी खुलता है तो ये टैपेट रॉकर, कैमशाफ्ट, ये सभी बाहर निकलती हैं, उसके बाद ही सिलेंडर हेड जो है खुल पाता है। और सिलेंडर हेड के अभी बोल्ट खुलवा रहे हैं, तो इसमें टोटल 10 बोल्ट होते हैं सिलेंडर हेड के, तो 10 बोल्ट हम खोलकर और सिलेंडर हेड बाहर निकालकर फिर आपको डिटेल में समझाएंगे। और फाइनली दोस्तों सिलेंडर हेड पूरी तरह से बाहर आ चुका है और अब मैं आपको डिटेल में समझा पाऊँगा, तो आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि इस कार में
क्या दिक्कत थी। यहाँ पर जो सामने की तरफ ये जो होल आपको दिख रहे हैं पानी वाले, तो ये होल क्या हुआ है, ये वाटर गैलरी कहलाती है। ये पानी वाले जितने भी होल हैं ये बढ़ गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर की एल्युमिनियम गलकर और ये होल सिलेंडर कंप्रेशर वाले एरिया में आकर मिल गया है। तो यानी इसमें जो कूलेंट जो चल रहा था, पानी जो चल रहा था, वो सीधा कंप्रेशर वाले एरिया में आकर मिक्स हो रहा है और सिलेंडर का जो कंप्रेशर है वो कूलेंट में पानी में जाके मिक्स होकर और ऊपर डिब्बे में बबल बन के और गैस बन के बाहर निकल रहा है। तो ये जब ये होल ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो सिलेंडर का कंप्रेशर और कूलेंट वाला एरिया दोनों आपस में मिक्स होने की वजह से भी इस तरह की दिक्कत आने लगती है। लेकिन हालांकि अभी ये कार हीट नहीं हुई है, इसके होल बड़े हो गए हैं, केवल हेड के होल जो हैं गल गए हैं पानी वाले, इसकी वजह से इस तरह की दिक्कत इसमें आ रही थी। और इस कंडीशन में दोस्तों इसका सिलेंडर हेड जो है वो बदला जाता है, लेकिन इस हेड को हम रिपेयर कराएंगे, एल्युमिनियम का वेल्डिंग करा के इसको रिपेयर कराएंगे, बनाएंगे और ये कम पैसों में यही हेड तैयार होके और बिल्कुल बढ़िया काम करता है। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे हेड रिपेयर करा चुका हूँ और जिन गाड़ियों में भी लगा दिए हेड रिपेयर करा के अभी तक एकदम बढ़िया चल रहे हैं, इसको बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये जितने भी होल हैं इसको हम बनवाएंगे अभी वेल्डिंग करा के। तो याद रखें जब भी कभी ये दोनों एरिया आपस में मिल जाते हैं, कूलेंट वाला और कंप्रेशर वाला, तब इस तरह की दिक्कत आने लगती है। कूलेंट वाले डिब्बे में बबल बन के उठते हैं, कई बार तो इतना ज़्यादा हीट हो जाती है कि पानी ऊपर की तरफ फेंकती निकाल कर, तो इसमें ऐसा नहीं हुआ है। और वैसे नया हेड जो है करीब 36,500 रुपये का आता है, लेकिन हम इसको रिपेयर कराएंगे, बनवाएंगे इसी को। और अब दोस्तों आपको दिखाते हैं इसके इंजन सिलेंडर ब्लॉक की कंडीशन। तो इंजन का जो ब्लॉक है, ब्लॉक की कंडीशन आपको दिखा दें। ब्लॉक की जितनी भी पानी वाली लाइनें हैं, जो वाटर गैलरी है, वो बिल्कुल ठीक हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, इसमें कार्बन और पपड़ी जमा हो गई है, उसको ज़रूर साफ़ करेंगे। बाकी इसकी जो सिलेंडर लाइनर हैं, इसकी जो चारों स्लीप हैं, वो अच्छी कंडीशन की हमने चेक कर लिया है, लेकिन आपको भी वीडियो में दिखा रहे हैं। तो क्या होता है कि जो गाड़ियाँ ज़्यादा हीट हो जाती हैं तब उस कंडीशन में इसकी स्लीप पर लाइनिंग स्क्रैच बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, उस कंडीशन में इसका फुल इंजन ओवरऑल करना पड़ता है। लेकिन ये क्या हुआ था, ये गाड़ी हीट ही नहीं हुई थी, सिर्फ और सिर्फ इसमें कंप्रेशर जाने लगा था, अभी शुरुआत हुई थी तो पता लग गया था, इसलिए इसका हेड खोलकर और सिर्फ हेड से काम चल जाएगा। बाकी इंजन और बिल्कुल ठीक है, इसके मतलब पिस्टन और इसकी चारों स्लीप जो सिलेंडर लाइनर हैं चारों बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में, पिस्टन भी चारों बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों इंजन ब्लॉक जो है इसका हम सिलेंडर लाइनर और पिस्टन का एरिया पूरा अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे और इसमें जितनी भी पानी वाली लाइनें हैं उनको भी अच्छी तरीके से साफ करवा लेंगे। और ये है दोस्तों इसका टैपेट कवर, जो रॉकर आर्म कवर भी कहलाता है। तो ये काफ़ी गंदा है और जितना भी पार्ट्स हमने खोला है इस हेड का वो सभी साफ़ करेंगे और सफाई में काफ़ी मेहनत करना पड़ती है। आपने हमारी हर वीडियो में देखा होगा हम सफाई पर काफ़ी ध्यान देते हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे ताकि इसके ऊपर की इतनी मेल मट्टी है वो साफ़ हो जाए। और ये रहा इसका टाइमिंग कवर। तो टाइमिंग कवर दोस्तों ये भी चारों तरफ से भीगा हुआ है क्योंकि इसकी टाइमिंग सील लीक है, सील भी हम चेंज करेंगे ये वाली। और इंजन का जो ब्लॉक है दोस्तों उसको भी अभी हम इसका जो चैम्बर है चैम्बर खुलवाएंगे क्योंकि नीचे चैम्बर में भी इसमें गंदगी ज़रूर होगी, तो इसका चैम्बर नीचे से हम खुलवाएंगे और उसको भी साफ़ करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको वीडियो में। तो अभी दोस्तों हमने इसका इंजन के नीचे का जो चैम्बर होता है वो हमने खुलवा दिया है, तो मैं आपको थोड़ा नीचे से दिखा दूँ वीडियो। तो यहाँ पर लगा होता है दोस्तों इसका चैम्बर, तो चैम्बर के अंदर सारा इंजन ऑयल भरा हुआ होता है। तो अभी हमने जो चैम्बर खोला है उसमें काफ़ी गंदगी निकली है, तो ये एरिया को भी हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। अगर हम इसको साफ़ नहीं करते तो फिर हमारा इंजन बनाने का कोई भी फ़ायदा नहीं निकलता। हम इसका हेड बना रहे हैं लेकिन हेड बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं निकलता। इंजन का काम करते समय सफाई का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये है दोस्तों इसका ऑयल सम्प जो इंजन चैम्बर कहलाता है, तो इसी में जाके सारा इंजन ऑयल जमा होता है, ठहरता है इसके अंदर। और आप देख सकते हैं अगर हम इंजन चैम्बर नहीं खोलते तो आप नीचे आप देख सकते हैं तले पर कितना ज़्यादा इसमें कालोज और गंदगी इसमें जमा है, पूरा ग्रीस जैसी कीचड़ इसमें जमा है। और हम अगर इसको नहीं खोलते और हेड करके और फिर बाद में जब नया वाला इंजन ऑयल डालते तो इस काले मोबिल में जाके मिक्स होता वो और नए वाले मोबिल को भी ख़राब कर देता और वो पूरे इंजन को नुकसान करता फिर। और अभी जितने भी हमने पार्ट्स खोले हैं तो सब पर सफाई का काम चल रहा है, तो सफाई पर दोस्तों हम बहुत ध्यान देते हैं और सफाई अच्छे तरीके से जब इंजन के जो पार्ट्स जितने भी खुलते हैं सबकी सफाई अच्छे तरीके से हो जाएगी तभी इंजन के सभी अंदर के पुर्जे ठीक से चल पाएंगे और इंजन ठीक से काम करेगा। और यहाँ पर दोस्तों हमने खोलकर सब रख लिए हैं, ये इसके टाइमिंग चेन के सभी पार्ट्स हैं, तो टाइमिंग चेन की पूरी किट है। और यहाँ पर ये हैं इसके टैपेट रॉकर जो HLA कहलाते हैं, तो ये जो हैं दोस्तों बिल्कुल सही निकले हैं, 16 पीस लगे होते हैं हेड के अंदर। तो इनको हमने चेक कर लिया था पहले, लेकिन आपको भी वीडियो में दिखाना है, तो हमने सबको चेक किया तो इसमें ज़रा भी कोई पिले या चाल नहीं है और बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं ये एकदम, मतलब इनमें जो फिक्सिंग होना चाहिए वो फिक्सिंग है इसके अंदर। और ये दोस्तों करीब 400 कुछ रुपए का एक आता है
अगर ये ख़राब निकलते तो करीब 6,500 रुपये के होते, लेकिन ये सही निकले हैं तो 6,500 रुपये कस्टमर के ये भी बच गए। तो दोस्तों इंजन खुलने के बाद ही पता लग पाता है कि कितने सारे पार्ट सही हैं और कितने ख़राब हैं। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसके चेन एडजस्टर हैं जो हाइड्रोलिक टेंशनर भी कहलाते हैं। तो ये जो हैं दोस्तों चेन को टाइट करने का काम करते हैं और ये थोड़े कमज़ोर हैं, तो इनको मैं ज़रूर बदलूँगा क्योंकि इनको मैंने दोनों को चेक किया था। ये छोटा वाला है, इसमें दो पीस लगे होते हैं, तो ये भी कुछ कमज़ोर है। तो ये दोनों जो एडजस्टर हैं इनको मैं ज़रूर चेंज करूँगा। बाकी टैबिट रॉकर जो है 16 पीस ये पुराने ही लगाऊंगा, बिल्कुल सही हैं। और ये जो चेन वाले पैड हैं जो फिक्स गाइड कहलाते हैं, तो चेन वाले फिक्स गाइड मैंने वीडियो में आपको शुरुआत में ही दिखाया था, ये टूटे हुए निकले थे दोनों पीस, तो ये दोनों टूट गए थे। तो इनको तो हम बदलेंगे, ज़रूर बदलेंगे, और इनको दोनों को नहीं, सिर्फ ये पाँचों को बदलेंगे क्योंकि पाँचों ही प्लास्टिक के ही होते हैं। और इन सभी पैडों पर दोस्तों ये इस तरह की धारियाँ, इस तरह के गड्ढे बन चुके हैं, तो अभी सिर्फ ये धारियाँ और गड्ढे बने हैं। अगर इनको हमने पुराने ही लगा दिए तो ये थोड़ा टाइम चलने के बाद में ये टूट जाएंगे और बाद में इंजन के अंदर नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए ये पांचों जो चेन गाइड फिक्स गाइड जो होते हैं इनको हम बदलेंगे। तो इसी हिसाब से दोस्तों इस पर भी धारियाँ और निशान बने हुए हैं, तो मैं आपको इतना डिटेल में दिखा रहा हूँ। वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी काफ़ी मिलेगी इस वीडियो से। तो ये जितने भी गड्ढे बन गए हैं इसी वजह से ये सभी पार्ट्स जो हैं बदलना ज़रूरी होते हैं। और हम इसकी टाइमिंग चेन भी आपको दिखाएंगे दोस्तों, टाइमिंग चेन को भी हमने चेक किया था, टाइमिंग चेन दोनों कमज़ोर हैं, तो टाइमिंग चेन को भी हम बदलेंगे। और ये सबसे छोटा वाला पैड है जो चेन के सबसे ऊपर टॉप पर लगता है, तो इसमें भी ये धारियाँ, ये गड्ढे बन गए हैं। और इसकी जो टाइमिंग चेन है दोस्तों, टाइमिंग चेनें भी इसकी कमज़ोर पड़ गई हैं, तो दोनों जो टाइमिंग चेन हैं वो काफ़ी ढीली हो गई हैं, इनको भी हम चेंज करेंगे। अगर ये पुरानी लगा दी तो आगे चल के टूट सकती हैं, और अगर ये टाइमिंग चेनें टूटी तो इंजन के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और फिर उस कंडीशन में पूरा इंजन ओवरऑल करना पड़ेगा, तो ये सब बदलेंगे हम। और ये इसका इंटेक मैनिफोल्ड का पाइप है, तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर पूरी तरह से भरा हुआ है। इसके अंदर कालोच और मिट्टी इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि पूरी तरह से ये बंद हो चुका है। और इसमें जब इतनी तादाद में गंदगी जमा हो जाती है तो इससे मालूम है क्या होता है, इससे गाड़ी के एक तो पिकअप पे फ़र्क आता है, और दूसरा गाड़ी का जो है काला धुआं देने लगती है गाड़ी, और गाड़ी का एवरेज भी जो है कम हो जाता है। तो अभी हम सिलेंडर हेड कर रहे हैं, तो हम तो एक एक पार्ट्स को बड़ी बारीकी से चेक करते हुए इसके अंदर की सभी कमियां दूर कर रहे हैं। और अभी हमने इसमें थोड़ा सा डीजल डाल के अंदर इसको हम इसकी सफाई करवा रहे हैं, तो दिखाते हैं आपको इसके अंदर कितनी गंदगी निकलने वाली है। थोड़ा ध्यान से देखना इधर, ये इसको उठाओ, पाइप को थोड़ा ऊपर उठाओ, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर कितनी ज़्यादा कालोच और मिट्टी, जैसे नाली की कीचड़ होती है ना काली काली, इस तरह से निकल रही है इसके अंदर, जैसे नाली की कीचड़ इसके अंदर किसी ने भर दी है। तो ये पूरी तरह से चोक था, पूरी तरह से बंद था, और हम सफाई पर बहुत ध्यान देते हैं, तो इसमें टाइम चाहे कितना भी लग जाए लेकिन हम हर एक पार्ट्स को अच्छे तरीके से ही साफ़ करेंगे और तभी हम गाड़ी में फिटिंग कर पाएंगे। और दोस्तों अभी चल रहा है इंजन के ब्लॉक की सफाई का काम, तो इसकी जितनी भी पानी वाली लाइनें हैं इनको अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे, मोबिल वाली लाइनें हैं इनको साफ़ करेंगे, और इसके सिलेंडर लाइनर और पिस्टन के जो एरिए हैं वो पूरे साफ़ करके बिल्कुल ब्लॉक को बिल्कुल नया बना देंगे। तो दोस्तों काम तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं और इंजन की सफाई जो है किस तरीके से कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब इतनी अच्छी तरीके से सफाई हो जाएगी तो इंजन कैसे नहीं चलेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि इंजन खुलने के बाद में जब दोबारा रिपेयर करा लो तो वो वाली बात नहीं आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है।
अगर अच्छे से सफाई करके और एक अच्छा कारीगर मिल जाए काम करने वाला और अच्छे सफाई करके ओरिजिनल पार्ट्स डाल के इंजन बना दे तो इंजन चलता ही चलता है। अब अच्छे का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप के लिए बता रहा हूँ कि मैं अच्छा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरे से बहुत बहुत अच्छे कारीगर पड़े हैं हमारे हिंदुस्तान में काम करने वाले, जो काम को पूरी जिम्मेदारी और अच्छे तरीके से करते हैं काम। और अभी दोस्तों इंजन ब्लॉक पे आप सामने की तरफ देख सकते हैं थोड़ी सी मिट्टी अभी और लगी हुई है, इसको भी कोशिश करके हम थोड़ा साफ करवा लेंगे। फाइनली दोस्तों इसका जो ऑयल चैम्बर है, जो ऑयल सम जो कहलाता है, तो ऑयल चैम्बर हमने धोकर बिल्कुल साफ़ कर लिया, बिल्कुल क्लीन कर लिया, एकदम चमक गया है। तो अब ये जब इतना साफ़ हो गया है तो इसमें जब हेड करने के बाद हम नया वाला इंजन ऑयल डालेंगे वो इसी में आके ठहरेगा, तो वो नया रहेगा। और जब नया इंजन ऑयल पूरे इंजन में जब घूमेगा सभी पुर्जों पर पहुँचेगा तो एक नई ताकत प्रोवाइड करेगा पूरे इंजन के लिए, और इंजन का फिर परफॉर्मेंस जो है वो सबसे अलग ही होगा। तो इसलिए दोस्तों मैं बताता हूँ बार बार कि सफाई बहुत ज़रूरी है इंजन के काम में खास करके। और ये दोस्तों इसका सिलेंडर हेड है, तो सिलेंडर हेड हमने वेल्डिंग कराकर और इसके पूरा हेड का काम कराकर हमने अभी मंगवा लिया अपने पास में। तो पहले इसमें वेल्डिंग हुआ, वेल्डिंग होने के बाद में इसका जो फेस है वो पूरा एक्सा किया गया है, और इसके जो वाल हैं वो पुराने ही लगाए गए क्योंकि वाल सही थे, लेकिन किसी वाल की जो सीलें हैं, वाल सीलें चेंज हुई हैं, वो नई डाली गई हैं महिंद्रा की ओरिजिनल, और हेड का पूरा काम होकर तैयार हो चुका है अभी। और दोस्तों अब फिटिंग करवाएंगे हम सिलेंडर हेड जो है इंजन ब्लॉक के ऊपर। तो इंजन ब्लॉक को हमने धोकर साफ़ करके और इसको ढक दिया था एक प्लास्टिक से, और उसके बाद में दोस्तों इसका जो इंजन ब्लॉक है, इंजन ब्लॉक का फेस हमने पूरा अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था, और इसके जो पिस्टन है, पिस्टन वगैरह सब कुछ अच्छी कंडीशन में है, स्लीव लाइनर सब कुछ अच्छी कंडीशन में है। अब इसको हम थोड़ा कपड़े से साफ़ करने के बाद में इस पर सिलेंडर का हेड गैसकेट जो है नया वाला वो लगवाएंगे। और हेड का सभी काम होने के बाद में दोस्तों सबसे लास्ट में हम इस कार को स्टार्ट करके भी दिखाएंगे, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। और ये रहा दोस्तों इसका महिंद्रा का ओरिजिनल सिलेंडर हेड गैसकेट, ये महिंद्रा का ओरिजिनल है, इसकी MRP प्राइस और इसका पार्ट नंबर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, और इसको बाहर निकाल कर भी दिखाते हैं कैसा होता है सिलेंडर हेड गैसकेट। इसको पलटो तो कुछ इस तरह की पैकिंग में आता है महिंद्रा का ओरिजिनल सिलेंडर हेड गैसकेट, और ये ओरिजिनल हेड गैसकेट पे दोस्तों इसका पार्ट नंबर भी लिखा हुआ होता है महिंद्रा का, तो वो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर एक साइड में लिखा होता है, थोड़ा आप ध्यान से देखना, तो ये लिखे हुए हैं इसका पार्ट नंबर इधर साइड में, तो ये ओरिजिनल गैसकेट का पार्ट नंबर है। और ये इसका सिलेंडर हेड गैसकेट जो है आप इसको इस तरह से लगाएंगे, हालांकि इसको पलट कर लगाएंगे तो आएगा नहीं क्योंकि उल्टा आता ही नहीं है, सीधा ही लगता है ये, लेकिन गैसकेट लगाने से पहले हमने इसके चारों जो सिलेंडर लाइनर है, चारों जो स्लीप हैं इसकी, इसमें नया वाला इंजन ऑयल चारों में हमने थोड़ा थोड़ा लगा लिया है, तो ये लगाना ज़रूरी होता है। और ये लगाने के बाद ही हम सिलेंडर हेड गैसकेट इस पर ब्लॉक के ऊपर लगाते हैं। तो ये लगवा रहे हैं दोस्तों हम इसका सिलेंडर हेड, तो सिलेंडर हेड दोस्तों हमने एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और टर्बो चार्जर लगाकर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद ही हम सिलेंडर हेड को इंजन ब्लॉक के ऊपर लगवा रहे हैं। इंजन ब्लॉक के ऊपर दोस्तों सिलेंडर हेड लगाने के बाद में इस बात की जाँच जरूर करना चाहिए कि सिलेंडर हेड जो है ब्लॉक के ऊपर सही पोजिशन में बैठा है या नहीं, तो इसको जाँच करने के बाद ही और इसके बाद में सिलेंडर हेड के बोल्ट लगाकर उसको टाइट करना चाहिए। सिलेंडर हेड के इसके अंदर टोटल 10 बोल्ट होते हैं, तो 10 बोल्टों को बाद में जांच करने के बाद ही अच्छी तरह से टाइट करें। और दोस्तों लगवा रहे हैं अभी इसके सिलेंडर हेड के सभी बोल्ट, तो सभी बोल्ट लगाने के बाद में इसको दोस्तों इस हेड को अच्छी तरह से टाइट भी करवाएंगे। तो हेड के जितने भी बोल्ट होते हैं दोस्तों वो 15 नंबर की गोटी से टाइट किए जाते हैं, तो 15 नंबर की गोटी लगाकर इन सभी बोल्टों को बहुत अच्छे तरीके से टाइट करना होता है। और ये सभी टाइट करने के बाद दोस्तों हम इसकी कैमशाफ्ट और इसके टैपेट रॉकर ये सभी कुछ लगाएंगे, वो भी आपको डिटेल में दिखाएंगे। और दोस्तों लगवा रहे हैं अभी इसके टैपेट रॉकर, तो ये सभी पुराने वाले टैपेट रॉकर हमने अच्छे तरीके से चेक कर लिए थे, इनको धोकर साफ कर लिया, और सभी पुराने टैपेट रॉकर हम इसमें सिलेंडर हेड के अंदर लगा रहे हैं क्योंकि ये 16 के 16 सभी बिल्कुल सही कंडीशन में हैं। और ये हैं इसके चारों इंजेक्टर के ओरिंग, रबर वाले ओरिंग दोस्तों सिलेंडर हेड में यहाँ पर लगाए जाते हैं, और ये इसलिए लगाए जाते हैं इंजन के ऊपर जब भी कभी पानी गिर जाता है या डीजल गिर जाता है तो वो सिलेंडर हेड के अंदर ना पहुँचे, इसलिए ओरिंग जो है लगाए जाते हैं। तो ओरिंग चारों में लगाकर तैयार कर दिए हैं, अब लगाएंगे हम इसका रॉकर आर्म कवर। तो इसका रॉकर आर्म कवर लगाने से पहले दोस्तों इस पर एनावॉन्ड की थोड़ी थोड़ी ट्यूब हमने लगा लेना चाहिए क्योंकि इसमें पैकिंग तो होते नहीं है, तो एनावॉन्ड की या किसी भी कंपनी की जो भी आप यूज़ करते हैं वो ट्यूब इस पर लगा लें ताकि इंजन ऑयल बाहर ना आए। और इसका रॉकर आर्म कवर यानी टैबेट कवर अब हम इसमें लगाएंगे, लेकिन उससे पहले लगाएंगे इसकी दोनों
कैम शाफ्ट, ये इसकी दोनों कैम शाफ्ट लगा रहे हैं हम, और दोनों कैम शाफ्ट को बहुत जांच कर लगाना होता है, और दोनों कैम शाफ्ट लगाने के बाद में लगवाएंगे हम इसका टैपेट कवर। और ये है इसका टैपेट कवर, जो रॉकर आर्म कवर भी कहलाता है। इसको भी हमने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया, सफाई आपको दिख ही रही होगी। इसको ये पहले जब हमने खोला था उस टाइम पे बहुत गंदा था, लेकिन अभी हमने इसको धोकर साफ़ किया है, चमका दिया है, तो बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। और उसके बाद में इसे लगाने के बाद में ठीक से, उसके बाद इसके 10 नंबर के सभी बोल्ट जो हैं टैपेट कवर के, वो सभी लगाए जाएंगे। तो ये रहे इसके टैपेट कवर के सभी बोल्ट 10 नंबर के, और इनको भी धोकर हमने साफ़ करवा लिया था अच्छे तरीके से। तो चलिए लगवाते हैं अभी सभी बोल्टों को देखकर, और अच्छे तरीके से इनको टाइट करने के बाद में फिर इसकी हम टाइमिंग चेन वगैरह जो वो सभी लगवाएंगे। और ये कार हम आपको स्टार्ट करके भी दिखाएंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करने के बाद में आप इसकी कंडीशन देखना, बाकी इसकी लीकेज जहाँ जहाँ से भी थी वो सारी सभी जगह से हमने लीकेज बंद कर दिया। अब ये इंजन बिल्कुल पूरी तरह से खुशक हो चुका है। और दोस्तों हमने इसकी दोनों टाइमिंग चेन और दोनों चेन वाले एडजस्टर और पाँचों जो चेन वाले गाइड जो पैड जो हैं वो सभी हमने चेंज करवा दिए हैं। फिक्स गाइड और चेन वाले पैड वो सभी चेंज कर दिए हैं, और एडजस्टर हमने दोनों चेंज कर दिए हैं, और उसकी टाइमिंग चेन भी दोनों हमने चेंज करवा दिए हैं। और दोस्तों वीडियो जो है बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं इधर इंजन टाइमिंग इस वीडियो में नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि इंजन टाइमिंग के वीडियो मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। कई सारे टाइमिंग के वीडियो हैं मेरे चैनल पर भी हैं, और भी लोगों के चैनल पर हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और ये सब कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों अब लगवाएंगे हम इसका टाइमिंग कवर। तो टाइमिंग कवर भी हमने धोकर रेडी कर लिया, तैयार कर लिया है, और इसमें दोस्तों हमने नई वाली टाइमिंग सील महिंद्रा की ओरिजिनल लगवा दी है, ताकि ये दोबारा से लीकेज ना करे। और टाइमिंग कवर लगाने से पहले दोस्तों इसका जो फेस है इसको अच्छे तरीके से कपड़े से साफ़ कर लेना चाहिए। और साफ़ करने के बाद में दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई पैकिंग वगैरह तो नहीं होता है, तो इसमें जो एनावॉन्ट की ट्यूब है हम लगाते हैं, बाकी आप कोई सी भी ट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम अभी लगाएंगे एनावॉन की ट्यूब, क्योंकि ऑयल की लीकेज को रोकने के लिए ट्यूब लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें कोई पैकिंग नहीं दिया होता है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ज़रूर हो गई, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं एक एक चीज़ को मैं आपको दिखाता हुआ चला हूँ कि कौन सी चीज़ इसमें ख़राब थी, कौन सी गंदी थी, किसे साफ़ करने से काम चल सकता है या किसे बदलने से काम चलेगा, वो सब दिखाया मैंने इस वीडियो में। और अभी डलवा रहे हैं दोस्तों इसमें कूलेंट, क्योंकि कूलेंट इसमें ज़रा भी नहीं था जब हमने गाड़ी खोली थी, उसमें सिर्फ पानी था, रेडिएटर हमने साफ़ कर दिया, आप डाल रहे हैं इसमें कूलेंट। और इंजन ऑयल जो है हमने कैस्ट्रोल का मंगा लिया है दोस्तों, कैस्ट्रोल का CRB टर्बो मैक्स 15W40। तो ये कोई किसी कंपनी का पहचान नहीं है, आप ओरिजिनल इंजन ऑयल कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का। मेरे पास में कैस्ट्रोल का था, तो मैं कैस्ट्रोल का डाल रहा हूँ इसमें, और उसके बाद मैं आपको ये कार स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी जो है दोस्तों डीजल की एयर निकाल रहे हैं हम, और डीजल की एयर निकालने के बाद ये कार को हम स्टार्ट करके भी आपको दिखाएंगे, तो इसकी साउंड भी आप सुनना। हाँ स्टार्ट करो। और ये कार का जो हमने हेड बनाया दोस्तों, आप देख सकते हैं काम में कितनी सफाई है, मतलब इंजन के जितने भी पार्ट्स हमने धोए हैं बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहे हैं, आपको वीडियो में साफ साफ दिख रहे होंगे। इसमें मैल मिट्टी ज़रा भी नहीं दिख रही है, सारे एरिया हमने अच्छे तरीके से चमका दिए हैं। और इंजन की साउंड दोस्तों अभी इसलिए थोड़ी सी भारी है क्योंकि इंटरकूलर इसका खुला हुआ है, लेकिन जब हम इसका इंटरकूलर लगा देंगे तो इंजन की साउंड और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। और इसका काम जो है सिर्फ हेड का काम करने से चल गया, इंजन नहीं खोलना पड़ा हमें, और पूरा इंजन खोलना जब पड़ता जब अगर इसके पिस्टन वगैरह ख़राब हो जाते। और फाइनली दोस्तों ये कार को हमने पूरा वॉशिंग करा दिया है, इसको अच्छे तरीके से इसकी धुलाई करा दी, क्योंकि काफ़ी गंदी थी ये कार। और अब आपको वीडियो में देखने से ही पता लग रहा होगा कि कार कितनी ज़्यादा चमक रही है, और इंजन का जो एरिया है, इंजन का एरिया में आपको कहीं पर भी गंदगी नहीं मिलेगी, क्योंकि इस एरिया पर हमने काफ़ी मेहनत की है, एक एक पार्ट्स को एक एक पुर्जे को बिल्कुल चमका दिया है, जहाँ जहाँ गंदगी थी बिल्कुल साफ़ करा दी है। स्टार्ट करो। और दोस्तों वीडियो देखकर अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास में सभी जगह से गाड़ियां बनने के लिए क्यों आती हैं, और मेरे पास में हिंदुस्तान के हर एक राज्य से, अलग अलग ज़िले से सभी जगह से गाड़ियां आती हैं मेरे पास में बनने के लिए, मेरी YouTube वीडियो देखकर।
तो दोस्तों आपने इंजन की साउंड को ध्यान से सुना होगा, इंजन की साउंड भी बिल्कुल ठीक ठाक है। हालांकि मैंने इसका इंजन नहीं किया है, सिर्फ हेड का काम किया है, लेकिन जितने भी पुर्जे जो हैं अंदर के जो खोले थे मैंने सभी साफ़ किए हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी गंदगी थी, उनको अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। पूरा आपको डिटेल में वीडियो में दिखाया भी है, और अभी कार आपके सामने बिल्कुल साफ़ सुथरी, एकदम क्लीन, बिल्कुल नए जैसा बना दिया इसको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ दोस्तों घंटी वाला जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें।